इसके पहले तक साउथ मूवीज को सिर्फ साउथ में ही देखा जाता था, वहीं पे ही उनका क्रेज होता था। लेकिन कुछ सुपर्ब एक्टर्स की वजह से आज साउथ मूवीज को ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे विश्व भर में देखा जा रहा है और सराहा भी जा रहा है। उनमें से एक सुपरस्टार का नाम है अल्लू अर्जुन। बंदे की एक मूवी रिलीज हुई जिसका नाम है अंगू वेकुंठ पुराथु। मुझे मलयालम बिल्कुल नहीं आती, लेकिन उस बंदे की कॉमेडी पे मैं खूब हंसा, उस बंदे के इमोशनल सीन्स पे मैं खूब इमोशनल हुआ, और उस बंदे की डांस का तो जवाब ही नहीं है। 3 दिन से मेरी कार में उसी मूवी का गाना बज रहा है, जिस मूवी के लिरिक्स मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आते। देख रहे हो, मतलब ये क्रेज है उस बंदे का। सो अल्लू अर्जुन, जिसे हम स्टाइलिश स्टार भी कहते हैं, उस बंदे के लिए एक हार्ट तो बनता है। गाइस, आम तौर पर सनातन धर्म में किसी की मृत्यु हो जाने पर उन्हें जलाकर दाह संस्कार किया जाता है, लेकिन साधु संतों के मामले में ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्हें भू समाधि दी जाती है और इस प्रक्रिया के तहत उन्हें जमीन में बैठाकर दफनाया जाता है। लेकिन अब आपके जहन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ऐसा क्यों किया जाता है और क्या सनातन धर्म इसकी इजाजत देता है। दरअसल साधु संत संन्यास अपनाने से पहले ही अपना पिंड दान कर देते हैं, जिससे उनकी आत्मा उनके शरीर से अलग हो जाती है, इसीलिए उनके मृत शरीर को जलाने की जरूरत नहीं होती। यही वजह है कि सनातन धर्म में साधु संतों को भू समाधि दी जाती है। माना जाता है कि यह परंपरा 1200 साल से भी ज्यादा पुरानी परंपरा है, जिसमें आदि गुरु शंकराचार्य ने भी भू समाधि ली थी, जो केदारनाथ में आज भी मौजूद है। वैसे गाइस, क्या आप इसके पहले तक इस परंपरा के बारे में जानते थे? और अगर नहीं तो A2 मोटिवेशन चैनल को ऐसे अमेजिंग फैक्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।